Hello students, my name is Gaurav and you are watching my YouTube channel E Vidyarthiloka. So our today's lesson is a poem. The poem name is Vocation and this poem has been written by Rabindranath Tagore. So let's recite the poem. On your way to school or market, you see many people at work in pairs discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. जब तुम्हारे स्कूल से या फिर बाजार जाने के रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं जो काम करते रहते हैं, पेयर्स यानी जोड़ा बना करके आप अपने दोस्तों से ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जिन्हें देखा है उसके बारे में आपने क्या नोटिस किया है, और उसके बाद जो है इस पोएम को आप पढ़ सकते हैं और आप इस पोएम को जोर जोर से अपने पार्टनर के साथ पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, जब 10 बजे की घंटा बजता है, 10 बजे का घंटा बजता है सुबह का, तो and I walk to school by our lane, और तो फिर मैं जब अपने गली वाले रास्ते से स्कूल जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. प्रत्येक दिन मुझे एक बैंगल वाला मिलता है, एक हॉकर मिलता है जो चिल्लाते रहता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़िया ले लो, कांच की चूड़िया ले लो, चूड़िया ले लो, कांच की चूड़िया ले लो. देर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. कुछ भी उसमें तेज़ी नहीं रहता है कि जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी जाना है. देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि उसे उसी रास्ते से जाना है, जिस रास्ते से मन करे वो उस रास्ते से जा सकता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. और ऐसा भी कोई बात नहीं है कि उसे पहले से ये निर्धारित है कि उसी जगह जाना है, जहाँ मन करता है वहाँ जाता है. नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम. और ना तो ये पक्का टाइम रहता है कि उसे वापस कब आना है. आई विश आई वेयर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. मैं चाहता हूँ, काश कि मैं एक हॉकर होता और मैं भी ऐसे ही जो है रोड पर अपना समय व्यतीत करता, चिल्लाते हुए चूड़िया ले लो, कांच की चूड़िया ले लो, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. दूसरे पैराग्राफ में पोएट बताते हैं, व्हेन 8:04 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. जब 4 बजता है और 4 बजे जब मैं वापस स्कूल से आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ डैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. उस घर के दरवाजे से पोएट को ये पता चलता है, वो देख पाता है कि एक माली जो है ग्राउंड को खोदते रहता है, ज़मीन को खोदते रहता है. ही डज़ वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड. वो अपने कुदाल से जो जो चाहता है वो करता है. He soils his clothes with dust. वो अपने जो कपड़े हैं उसे पूरे धूल गर्दे से भर लेता है. Nobody takes him to task. कोई भी व्यक्ति उसे टास्क नहीं देता है. If he gets baked in the sun or gets wet. और इस बात का भी कोई परवाह नहीं है उसे कि वो धूप में तप रहा है, जल रहा है, या फिर पसीने से भींग रहा है. I wish I were a gardener digging away at the garden. काश कि मैं एक माली होता और इसी तरह मैं जो है अपने गार्डन में मैं जो भी है कुछ डिग करते रहता, खोदते रहता. विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होता कि तुम ऐसा मत करो या मत खोदो. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड. जो ही जो है थोड़ा सा शाम होता है, अंधेरा हो जाता है शाम के समय, और जब मेरी माँ मुझे सोने के लिए बिस्तर पर भेज देती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. तो जो हमारे घर में, जो हमारे रूम में एक खिड़की है, ओपन खुली हुई खिड़की है, उसमें से मैं देख पाता हूँ कि एक वॉचमैन जो है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे टहलते रहता है. द लेन इज़ डार्क एंड लॉनली. और जो लेन होता है, जो गली होता है, वो पूरी तरह से अंधेरा होता है और सुन्न होता है, अकेला होता है वहाँ. एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन द हेड. और जो गली वाले जो स्ट्रीट लैम्प होते हैं जो रोशनी देते हैं, बस वो ऐसे ही लगते हैं
कि किसी बड़े से राक्षस के सिर पे एक लाल रंग की बत्ती जल रही हो। वैसा वो स्ट्रीट लैम्प महसूस होता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। जो वॉचमैन है वो अपने लालटेन को हिलाते हुए घूमते रहता है और शैडो जो उसकी परछाई है उसके साथ रहती है, उसके किनारे रहती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और वह कभी भी अपने लाइफ में बिस्तर पर नहीं जाता है, वो बस टहलते रहता है। आई विश आई वेयर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। काश कि मैं भी एक वॉचमैन होता, उस तरह का चौकीदार होता, और रात भर मैं भी उस गलियों में घूमते रहता, चेजिंग द शैडोज विथ माई लालटेन, और मेरे लालटेन के साथ साथ जो मेरे शैडो होते, जो मेरे परछाई होते, मैं उसकी पीछा करते रहता। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, आई विल श्योरली कम वेरी सून विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। एंड डियर स्टूडेंट्स, डियर माई फ्रेंड्स एंड एवरी वन हुसोएवर इज़ वॉचिंग माई वीडियोज, मेरा आपसे एक अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि यह चैनल हमारा नया चैनल है और मैं इसमें एजुकेशनल वीडियोस लगातार डाल रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, रात को जग जग कर वीडियोस बना रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये चैनल थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ ख़राब लगा हो तो उसे फीडबैक देना ना भूलिए। हमारे चैनल्स के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। तत्काल में हमारे चैनल्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए चैनल, एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।